चिनौनी पुलिस ने वारदात की नियत से घूम रहे स्थायी वारंटी को वाहन चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। तो आइए देखते हैं लोकेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर्जिंदा राउंड किया बरामद। मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागड़ी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया व एसटीओपी कैलारस संजय कोच्छा के निर्देशन व मार्गदर्शन में संपूर्ण मुरैना जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आपराधिक तत्वों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। और अभियान के अंतर्गत संपूर्ण मुरैना जिले के संवेदनशील स्थानों पर वाहन चेकिंग लगाई गई और अपराधियों के आवागमन पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 26/3/2023 को थाना चिनौनी पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम डबोखरी का विगत 6 वर्ष फरार स्थायी वारंटी वारदात की नियत से अवैध हथियार के साथ चिनौनी तरफ आया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चिनौनी पुलिस द्वारा थाना चिनौनी के अपराध क्रमांक 74/2009 द्वारा 379 में फरार आरोपी को मैं अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा का राउंड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध थाना चिनौनी में अपराध क्रमांक 44/23 धारा 25/27 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही फरारी स्थायी वारंट को गिरफ्तार किया गया और आरोपी पर अन्य थाने सबलगढ़ व थाना निरार में भी अपराध दर्ज है और उक्त आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में चिनौनी थाना प्रभारी अविनाश सिंह राठौर, आर गौरव जाट और अपरिषित जादौन, आर अर्जुन गुज्जर, आर हरेन तोमर, आर चालक विजेंद्र गुज्जर की सराहनीय भूमिका रही। बाइट अविनाश सिंह राठौर, थाना प्रभारी चिनौनी। इसी क्रम में कल वाहन चेकिंग के दौरान चिनौनी थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि विगत 6 वर्ष से स्थायी वारंटी एक है जो फरार है, जो थाना चिनौनी के अपराध क्रमांक 74/2009 में चोरी के आरोप में फरार था, उसके खिलाफ सबलगढ़ मेरा थाने में अपराध पंजीबद्ध है। वह आदमी अवैध हत्याक्षात चिनौनी तरफ आया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक अवैध हथियार 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। उक्त आरोपी पूर्व से ही माननीय न्यायालय के प्रकरण में फरार है, जिसमें उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई। साथ ही प्रत्यक्ष से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसका अपराध क्रमांक 44/2023 है।